हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोर द कॉस्मोस। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यूनिवर्स की 7 अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वीनस यानी शुक्र ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, जिसका सरफेस टेम्परेचर करीब 450 डिग्री सेल्सियस का है, जबकि सन के सबसे क्लोज में मौजूद प्लैनेट मरकरी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे हो सकता है, बट वेट, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। दरअसल वीनस का एटमॉस्फेयर हमारे प्लैनेट अर्थ के एटमॉस्फेयर से करीब 100 टाइम्स ज़्यादा थिक है, जिस वजह से ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। नंबर 6, फ्रेंड्स क्या आप लोगों को ये पता है कि अगर हम सन को एक साइड और बाकी के सोलर सिस्टम को दूसरी साइड रखते हैं तो भी अकेले सन का मास पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% होगा, और धरती के कंपैरिजन में सन का मास करीब 330,000 टाइम्स ज़्यादा है। सन के अंदर करीब 1.3 मिलियन अर्थ समा सकती हैं। अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि सन कितना ज़्यादा मैसिव है। नंबर 5, अब जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। धरती से सनसेट रेड दिखता है, और अगर आप मार्स पर जाकर सनसेट देखेंगे तो ये आपको ब्लू दिखेगा। नंबर 4, वीनस। दोस्तों वीनस सिर्फ सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट ही नहीं है, बल्कि ये सोलर सिस्टम का सबसे स्लो रोटेट करने वाला प्लैनेट भी है। आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि वीनस पर एक दिन अर्थ के 243 डेज के बराबर होता है। नंबर 3, वैसे तो अर्थ पर हर दिन करीब 4 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन आज भी अर्थ पर इतने पेड़ हैं कि अगर हम लोग इसे मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार से कंपेयर करें तो भी हमारे अर्थ पर मौजूद पेड़ काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 2 ट्रिलियन स्टार्स हैं और अकेले हमारी पृथ्वी में करीब 3 ट्रिलियन पेड़ हैं। नंबर 2, दोस्तों कहने को तो स्पेस वो जगह है जहां पर हर वक्त कोई ना कोई घटना घटती ही रहती है, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि स्पेस पूरी तरह से साइलेंट है, क्योंकि यहाँ पर एयर नहीं है और किसी भी तरह की आवाज़ यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस तरह से हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 2 ट्रिलियन स्टार्स हैं, ठीक वैसे ही हमारे पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कितने स्टार्स होंगे? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ, हमारे पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 1 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स हैं। सो ये थी आज की वीडियो। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।